इन्फिनिटी वॉर में जितने भी सुपर हीरोज मरे हैं उतने हीरोज आज तक एमसीयू की किसी भी मूवी में नहीं मरे। और अब देखना ये है कि एवेंजर्स 4 द एंड गेम में कौन से एवेंजर्स हमें अलविदा बोल देंगे। एवेंजर्स 4 द एंड गेम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 22वीं फिल्म कई अनसुलझे सवालों का जवाब दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की आखिरी फिल्म होगी। ट्रेलर में भी इसका बड़ा हिंट मिला है। एवेंजर्स 4 के ट्रेलर के मुताबिक टोनी स्टार्क स्पेस में ही फंसे हुए हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स को मैसेज भेज रहे हैं। टोनी कहते हैं कि पेपर, जब तक तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिलेगी मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा। हर स्टोरी का अंत होता है, लेकिन इस तरह से जीरो उम्मीद के साथ स्पेस में मरने का सौभाग्य सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मिला है। टोनी कहते हैं खाना पहले ही ख़त्म हो चुका है, ऑक्सीजन भी कल तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरी सांस और आखिरी दम तक मेरे साथ सिर्फ तुम्हारा ही नाम रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉबर्ट डाउनी जूनियर का इस फिल्म के बाद मार्वल स्टूडियोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। इस ट्रेलर से हमें ये तो पता चला है कि आयरन मैन मर चुके हैं, पर क्या कैप्टन अमेरिका भी मर जाएंगे? आयरन मैन के अलावा कैप्टन अमेरिका का सफ़र ख़त्म होने की भी संभावना है। फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग ख़त्म होने के बाद क्रिस इवांस ने इमोशनल पोस्ट लिखा है। इस फिल्म के बाद क्रिस का भी मार्वल स्टूडियोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। ट्रेलर में कैप्टन अमेरिका कह रहे हैं कि अब जो जंग होगी आखिरी जंग होगी। कैप्टन कहते हैं कि अगर अब हम हारे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी।